हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम मनोवा की बात करते हैं। मेरे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट, दोनों मेट्रिक हैं, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, टेरिटरी जिसमें तीन कैटेगरी हैं और सीजन जिसमें तीन कैटेगरी हैं, समर विंटर रेनी। अभी मैं चेक करता हूँ क्या सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इससे पहले एक बार हम वन वे अनुवा लगा के देख लेते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। तो इंडिविजुअली ये निकल कर आया, दोनों की एफ वैल्यू लेस देन 4 और सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन 0.05। इससे हमें पता लगा कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सीजन, उसका दोनों डिपेंडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट, लेट्स गो अहेड। अब हम चलते हैं एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल मल्टीवेरिएट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये दोनों डिपेंडेंट क्यों ले रहे हैं, ये हमारे पास कोई इसका थ्योरी होना चाहिए। नाउ टू स्टार्ट विद, सबसे पहले सीजन, ये फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है एसपीएसएस नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर बोलता है, या कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एसपीएसएस फैक्टर बोलता है। अगर यहाँ कोई और मीट्रिक इंडिपेंडेंट होता उसको हम कोवेरिएट ले सकते थे। टू बिगिन विद मॉडल, हम फुल फैक्टोरियल पे काम करते हैं। अगर हमें अपना कुछ मॉडल बनाना हो, इंटरेक्शन टाइप करने हो, तो हम कस्टम को यूज करते हैं। इसमें इंटरसेप्ट को इंक्लूड किया जाता है, इसको टेक्निकली टाइप 3 बोलते हैं। कंट्रास्ट अभी हम नहीं करेंगे, ये मैं वन वे अनोवा की प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ। कंट्रास्ट को अप्रायरी बोलते हैं। अगर मुझे पहले से पता है कि रेनी और विंटर सीजन में डिफरेंस आ सकते हैं और मुझे वो चेक करना है, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो उनमें डिफरेंस, इसको तो बोलेंगे कंट्रास्ट। और अगर डिफरेंस आया तो आगे जो चेक करेंगे उसको बोलते हैं पोस्ट हॉक। अभी इसको छोड़ देते हैं, प्लॉट्स भी अभी छोड़ रहे हैं, सेव भी छोड़ देते हैं। सेव के अंदर तो है रेजिडुअल्स या कुक्स डिफरेंस, डिस्टेंस जो बताता है कि डाटा में आउटलायर तो नहीं है। ऑप्शंस में होमोजेनिटी टेस्ट कर लेते हैं, जो 11 टेस्ट है। डिस्प्ले मीन वगैरह अभी के लिए छोड़ते हैं, अभी हम सिंपल देखते हैं रिलेशन है या नहीं। आउटपुट ने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तीन कैटेगरी हैं, समर विंटर रेनी, तीनों के 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। गुड, इन तीनों के जो वेरिएंस और को वेरिएंस है, बॉक्स एम चेक करता है क्या तीनों के को वेरिएंस इक्वल हैं तीनों ग्रुप्स के। उस चीज को बॉक्स एम ने चेक किया, सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट ये आपका सिग्निफिकेंट है, मतलब डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, वो ठीक है, अजम्पशन सस्टेन। However, अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी आती है, ये संभव है, हो सकता है ऐसा। किस केस में? जब हमारा डाटा में नॉर्मेलिटी अजम्पशन वायलेट हो जाए, तब इसकी वैल्यू थोड़ी सी बायस्ड हो जाती है, तब हमें चेक करना पड़ेगा इसे। अक्सर बुक्स में तो ऐसा लिखा है कि आप इसको फिर छोड़ दीजिए। अब दिस वन इज द मेन टेबल, मल्टीवेरिएट की टेबल। इसके दो पार्ट हैं, इंटरसेप्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरसेप्ट को अभी छोड़ देते हैं, हम इसकी बात करते हैं सीजन की। चार चीज होती हैं, पिलेज ट्रेस, विल्क्स लैम्डा, हॉटलिंग ट्रेस और रॉयस। इसमें से विल्क्स लैम्डा छोड़ते हैं, जो नेगेटिव होता है, कितना खराब है उसका। विल्क्स लैम्डा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एलडीए की सीरीज में क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं। हम इन तीन पे फोकस करेंगे, पिलेज ट्रेस, हॉटलिंग ट्रेस, रॉय ट्रेस। इनके बारे में मैंने बियॉन्ड अनोवा 6.3 इसके अंदर डिटेल में लिखा है। अगर हॉटलिंग ट्रेस इज ऑलवेज लार्जर देन पिलेज ट्रेस, ये आप देखिएगा इसमें हॉटलिंग ट्रेस जो आता है वो पिलेज ट्रेस से ज़्यादा है। अगर ये दोनों आपको ऑलमोस्ट इक्वल मिले, तो ये इंडिकेशन है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों डिपेंडेंट से रिलेटेड नहीं है। आई रिपीट, अगर हॉटलिंग ट्रेस जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आएगा अक्सर पिलेज ट्रेस से और रॉयज लार्जेस्ट रूट से, अगर ये वैल्यू पिलेज ट्रेस के इक्वल आ रही है, तो उसका जैसे यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट बराबर है 0.9 और 0.94, तो हमारा निकल कर आया कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन? इंडिपेंडेंट का, जो कि हमारे केस में सीजन है, उसका दोनों ही डिपेंडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। खैर, ये चीज़ हम तो पहले से भी जानते थे, यहाँ पे वन वे अनोवा ने भी बताया था कोई रिलेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मनोवा और भी बहुत सारी बातें बताएगा। इन केस रॉयज जो लार्जेस्ट है वो हॉटलिंग से कम ही होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ऑलमोस्ट इक्वल,
उसका इंडिकेशन होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसी एक डिपेंडेंट से रिलेटेड है। जैसे अगर दो या तीन जितने भी डिपेंडेंट लिए आपने उनमें से किसी एक से है, यानी सबसे नहीं है, एक से रिलेटेड है। तो ये तीन चीज हमारे केस में हम देख रहे हैं कि क्योंकि पिल्ली ट्रेस और ये काफी करीब हैं, खैर करेंगे तो हम एनालिसिस तो सिग्निफिकेंस ही चेक होगी। ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीजन का, दोनों ही डिपेंडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। खैर आगे चलते हैं। 11 टेस्ट ये वही चेक करता है क्या इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है या नहीं, ये अनोवा में भी सेम था। इस टेबल को एक बार देखिए, करेक्टेड टोटल नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ सीजन को देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। सीजन की ये जो वैल्यूज हैं क्या ये वैल्यू वही हैं जो हमारी वन वे अनोवा की वैल्यू आई थी, देखिए 0.435947 इसका मतलब है जब आप मनोवा यूज करते हैं, अनोवा तो आपका इनबिल्ट है, वो आएगा ही आएगा आपका। ये बेसिकली अनोवा की टेबल है और ये बता रहे हैं दोनों का रिलेशन नहीं है, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इसका मतलब अगर वन वे अनोवा मैंने यूज किया और वन वे अनोवा में हमारा बता रहा है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशन नहीं है, तो इस बात का क्या मीनिंग होता है टेकन टुगेदर? उसका भी यही मीनिंग निकलेगा कि कोई रिलेशन नहीं है या कुछ चेंज हो सकता है। ये एक वर्थ प्रॉबिंग है क्वेश्चन, आइए इस पे काम करते हैं। मैं एक बार वन वे अनोवा पे दोबारा चलता हूँ और दिस टाइम मैं टेरिटरी पे काम करता हूँ। टेरिटरी ने कहा कोई रिलेशन नहीं है टेरिटरी का दोनों ही से, राइट, वन वे अनोवा। और अब इसी को हम मल्टीवेरिएट के अंदर काम करते हैं, राइट, और चेक करते हैं 9, 8, 13 बॉक्स हमने कहा कोवेरियंस इक्वल है, गुड। यहाँ पर हमारा आ रहा है टेरिटरी का रिलेशन है इनसे, हॉटलिंग ट्रेस सबसे बड़ा है, रॉयज उससे छोटा, रॉयज हमेशा इससे छोटा ही आता है, और पिल्ले ट्रेस छोटा। अगर पिल्ले ट्रेस हॉटलिंग ट्रेस जितना होता तो हम बोलते कोई रिलेशन नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ काफ़ी है, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट तो रिलेशन है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेरियंस 11 टेस्ट ने बताया कि अजम्पशन सस्टेन, सेल्स में जो आपकी टेरिटरी के अलग अलग कैटेगरी थी उनमें जो वेरिएशंस था सेल्स का वेरिएशन वो सेम है तीनों कैटेगरी में, एडवर्टाइजमेंट का भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वन वे अनोवा तो कह रहा है कोई रिलेशन नहीं है और मनोवा बोल रहा है रिलेशन है, ये कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है, कहाँ कौन सी चीज़ हम मिस कर रहे हैं? इसमें एक जो हम सबसे बेसिक है फंडामेंटल वो चीज़ मिस कर रहे हैं और वो चीज़ है हमारी कोरिलेशन। देखिए स्टैट्स में एक ही चीज़ है जो वाकई में समझने लायक है और वो है कोरिलेशन, कोरिलेशन ही होता है सबके बीच में। प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारे दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके अंदर बहुत हाई कोरिलेशन है 0.768, 76 का मतलब हो गया मोर देन 50% वेरियंस तो कॉमन है, आर है ना ये इसका आर स्क्वायर, देखिए 50% कॉमन है दोनों के अंदर। अनोवा के में प्रॉब्लम ये रही, अनोवा में जब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल दिया एक दिया तो वो ये नहीं कैप्चर कर पाया कि इन दोनों में रिलेशन है क्या, सेल्स का सेल्स के ऊपर टेरिटरी का इफेक्ट है ये कह रहा है नहीं है, एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इनका है रिलेशन। दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल में आपस में बहुत हाई कोरिलेशन है, यहाँ क्योंकि हम सेपरेट सेपरेट ले रहे हैं तो अनोवा वन वे अनोवा उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन जब मनोवा में गए और दोनों चीज़ एक साथ रखी तो निकला है कि हाँ दोनों में अंदर रिलेशन है और टेरिटरी का दोनों से रिलेशन है। तो ये इसको कैसे हम करें, इसका मीनिंग क्या निकला और इस चीज़ को हम कैसे सेंस करें? देखिए जब अगर आप दोनों लोग हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल उनके अंदर बहुत हाई कोरिलेशन है, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल वैसा ही हो गया जो मैं इसी प्लेलिस्ट के पहले समझा चुका हूँ। अगर हम ये पूछते हैं रिलेशन है यूनिवेरिएट में, इसने कहा नहीं जी कोई रिलेशन नहीं है टेरिटरी का 108, और अगर अब इसको ये कहा ओके लेट्स कंट्रोल इट फॉर एडवर्टाइजमेंट, इसके इफेक्ट को ख़त्म करो सेल्स में से और फिर बताओ रिलेशन है, 100% रिलेशन आएगा टेरिटरी का, बिल्कुल रिलेशन है। एंड वाइस वर्सा एडवर्टाइजमेंट का भी बता रहा है और इसके इफेक्ट को ख़त्म करके टेरिटरी का रिलेशन बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पे जो मनोवा हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एक एडवांटेज हो गया यहाँ पे कि मनोवा हमारा यहाँ पे दोनों को इकट्ठे उनकी मल्टीकोलिनिटी को भी एड्रेस करता है जो कि अनोवा नहीं कर पाता था, तो ये उसका एडवांटेज है। रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट यही करेंगे पिलेट्रेस और चारों ही वैल्यू
ऐसा बहुत कम होगा कि कोई एक वैल्यू 0.05 से बड़ी और एक छोटी, ऐसा बहुत रेयर होता है। या तो चारों 0.05 से बड़ी आएंगी या चारों 0.05 से छोटी आएंगी। इसके अंदर अगर हम चाहें अगला आगे चलें तो यहाँ बोस्टोक वगैरह है, पर इससे निकलेगा नहीं कुछ। इससे निकलेगा इसलिए नहीं क्योंकि इनका अगर हम कंबाइंड देखेंगे, यानी अनकोवा वाले ट्री पे हमें जाना चाहिए, अनकोवा देखें तो रिलेशन निकलेगा। अगर हम यही मनोवा में ही आगे लगाएंगे मल्टीवेरिएट के अंदर पोस्टॉक, इसका आई डाउट कि इसके अंदर कुछ निकलेगा क्या। लिख लेते हैं टकी मेथड लगा के, क्योंकि ये अनोवा पे ही चला जाता है। ओके, लेट मी क्लोज डाउन द प्रीवियस वन, दिस वन क्लोज, दिस वन क्लोज और लास्ट ये भी क्लोज। ठीक है, सेम है बॉक्सम मल्टीवेरिएट ने कहा यस रिलेशन है, लेवन टेस्ट ओके है, वन वे अनोवा बोल रहा नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है ए का बी से, सारी सिग्निफिकेंस 0.05 से बड़ी, कोई रिलेशन नहीं है। सेल्स का अलग अलग प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये अभी वन वे अनोवा के ही टाइप में जा रहा है, सेल्स के अंदर बात कर रहा है जो कि फैक्ट है, कोई रिलेशन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये तो आपके अलग अलग दे रहा है। लेकिन जब टेकन टुगेदर हम करेंगे, यानी अब आपका अगर ये निकल कर आ रहा है रिलेशन यहाँ पे, तो आपको चले जाने दीजिए अनकोवा में एक को कंट्रोल करके, या कोरिलेशन लगा लेंगे उससे भी पता लग जाएगा। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग निकला। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग लेते हैं, उसका इंडिपेंडेंट से कोरिलेशन नहीं है, पर वो यहाँ से पता लगा, पर अगर उनका कोरिलेशन देखें आपस में, डिपेंडेंट का बहुत हाई है 0.7, इसीलिए जब मनोवा में गए, मनोवा ने कहा यस अगर आप एक को कंट्रोल करो या दोनों को इकट्ठे लोगे तो रिलेशन बिल्कुल निकलेगा। रिपोर्ट में हम ये चारों रिपोर्ट करेंगे और वैल्यू देंगे कि हाँ इनका कहना है कि रिलेशन है इसके ऊपर। सो दिस वाज मनोवा, दे मन वन वे मनोवा। वन वे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट एक है। अगर आप दो डाल दें, नाउ दिस इज टू वे मनोवा। कैसे टू वे, टू वे मतलब दो इंडिपेंडेंट, मनोवा मतलब डिपेंडेंट एक से ज्यादा, इंडिपेंडेंट दो यहाँ पर दो। ओके, रन करें, बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ इसमें फर्क क्या आएगा, दोनों की कैटेगरी अलग अलग, बॉक्स एम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 सबका इसने इकट्ठा चेक कर दिया, कोई बात नहीं सही है। यहाँ सेपरेट सेपरेट आएगा, टेरिटरी का इफेक्ट है, सीजन का इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल वही चीज। और इंट्रैक्शन अगर हम देखें दोनों का, इंट्रैक्शन का है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, क्योंकि हम अलग अलग करके देख चुके हैं इसे, सीजन का नहीं है, टेरिटरी का है, और कंबाइंड अगर हम देखें इंट्रैक्शन इफेक्ट देखें तो बिल्कुल रिलेशन है इसके अंदर। हालांकि आई डाउट वो मना ही करेगा, वन वे अनोवा टेरिटरी का भी नहीं है, सीजन का भी नहीं है और इंट्रैक्शन का भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ले रहा है, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत हाई कोरिलेशन है, ये तो कुछ बताएगा इन सिग्निफिकेंस, ये तो बायस्ड है। सो दिस वाज अबाउट वन वे एंड टू वे मनोवा। और इसमें सिर्फ इतना सा है, अगर मेरे पास एक और वेरिएबल होता जिसको मुझे कंट्रोल करना है, मैं यहाँ डाल देता, हालांकि देखिए ये ऐसे डालते, पर प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है, क्योंकि ये मनोवा का मेनू है, ये कहेगा कि एक से नहीं आप काम कर सकते, अगर एक डिपेंडेंट है गो बैक टू अनोवा और अनकोवा, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो आपको यहाँ तो मिनिमम 2 डालने पड़ेंगे तभी एक्टिवेट होगा। अगर इन दोनों को किसी के बेस पे कंट्रोल करना है, उसके इफेक्ट को खत्म करना है, उसको यहाँ डाल देंगे। अगर यहाँ एक वेरिएबल होता है, दिस विल बी कॉल्ड टू वे मनकोवा, इसको बाहर निकाल के अब क्या होता है, ये अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता तो वन वे मनकोवा। अभी क्या है, ये प्रेजेंट वन वे मनोवा और ये क्या है टू वे मनोवा। सो दिस वॉज अ सिंपल और वेरी ब्रीफ अबाउट मनोवा मनकोवा, वन वे टू वे एक्सेट्रा। आई होप दिस वॉज यूजफुल, थैंक यू।